लोगों ने अपनी लाइफ में प्लास्टिक का इतना इस्तेमाल स्टार्ट कर दिया है कि माउंटेन से लेके बॉटम तक ओशियन तक हर जगह प्लास्टिक ही प्लास्टिक दिखाई देती है। आजकल जिधर देखो प्लास्टिक ही प्लास्टिक फैला हुआ है। प्लास्टिक के साथ प्रॉब्लम ये आती है कि प्लास्टिक बायोग्रेड नहीं होता है, मतलब ये पूरी तरह से नष्ट नहीं होता है, बल्कि इसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं जिसे माइक्रोप्लास्टिक कहते हैं। आजकल ये माइक्रोप्लास्टिक हमारे कॉस्मेटिक में होता है, हमारे जो सिंथेटिक नायलॉन के कपड़े होते हैं उसमें प्रेजेंट होता है, प्लास्टिक की बॉटल में प्रेजेंट होता है। जब इस प्लास्टिक में रखा हुआ पानी या खाना हम खाते हैं तो ये माइक्रोप्लास्टिक हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है और हमारी बॉडी सेल्स को नुकसान पहुँचाती है। इसकी वजह से हमें कई बीमारियाँ हो सकती हैं, हमें डायबिटीज हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, हमारे हार्मोन्स का लेवल ऊपर नीचे हो सकता है और यहाँ तक कि हमें कैंसर तक हो सकता है। जब हम प्लास्टिक के डिब्बे में खाना पैक करते हैं, गर्म खाना पैक करते हैं, या हम डिस्पोजेबल में गर्म चाय पीते हैं, तो जब गर्म चीज़ होने से प्लास्टिक से एक केमिकल रिलीज होता है जिसको हम बाई स्पिनॉल या BPA बोलते हैं। ये केमिकल ही होता है, हमारी बॉडी सेल्स को नुकसान करता है, ये हमारे ब्रेन को नुकसान करता है, हमारे लिम्फेटिक सिस्टम को नुकसान करता है, हमारी ओवरऑल हेल्थ को नुकसान करता है। ओवर द टाइम हर बार इस डिस्पोजेबल कप चाय पीते हैं तो ये प्लास्टिक जो माइक्रोप्लास्टिक होती है हमारी बॉडी में भी काफ़ी मात्रा में इकट्ठी हो जाती है और धीरे धीरे हमें नुकसान करने लगती है। नैनोप्लास्टिक क्या होता है? नैनोप्लास्टिक के प्लास्टिक के छोटे कण होते हैं जो कि हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। नैनोप्लास्टिक का साइज 1 माइक्रोन से भी कम होता है और हम इन पार्टिकल्स को अपनी आंखों से नहीं देख सकते, इनको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो जहाँ प्लास्टिक की बोतल से पानी पीते हैं या हम प्लास्टिक के कंटेनर इस्तेमाल करते हैं, उसमें अपने अनाज स्टोर करते हैं, दालें स्टोर करते हैं, तो धीरे प्लास्टिक हमारे खाने के पदार्थों में आ जाती है और जब ये हम खाना खाते हैं तो ये खाना हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। प्लास्टिक से होने वाले नुकसान से हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? टिप नंबर 1, जब भी आप खाना पैक करते हैं उसमें प्लास्टिक के टिफ़िन की बजाय स्टील के डिब्बे को इस्तेमाल करना चाहिए। स्टील का डिब्बा न्यूट्रल होता है और इससे कोई भी केमिकल रिलीज नहीं होता है और ये नुकसान नहीं पहुँचाता है। जब भी आप घर से बाहर निकलें तो अपने पानी को हमेशा कैरी करें और पानी की में को प्लास्टिक की बोतल में कभी भी नहीं रखें। इसकी जगह आप मेटेलिक बोतल ले सकते हैं, इस तरह की स्टील की बोतल ले सकते हैं, या थर्मस जार जो होते हैं या ग्लास बोतल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी मेटेलिक बोतल या ग्लास बोतल पूरी तरह से सुरक्षित होती हैं, इनसे कोई भी केमिकल्स रिलीज नहीं होता है। जब भी आप बाहर चाय पीने का आपका मन करता है तो डिस्पोजेबल कप का इस्तेमाल कभी भी ना करें, उसकी जगह आप एक कुल्हड़ इस्तेमाल कर सकते हैं। कुल्हड़ आजकल सभी जगह अवेलेबल होता है, ठेले वाले भी कुल्हड़ रखते हैं, या आप चाइना बोन चाइना का कप इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल की पब्लिक बाहर का खाना बहुत खाती है और उसके लिए ऑनलाइन फूड ऑर्डर करती है, तो ये जोमेटो स्विगी वाले क्या होते हैं, जो गर्म दाल होती है, पनीर की सब्जी होती है या दाल मखनी होती है, इस गर्म दाल को प्लास्टिक के डिब्बे में रैप कर देते हैं, पैक कर देते हैं, जिससे गर्म प्लास्टिक से काफ़ी केमिकल से रिलीज होते हैं। तो इस सब के नुकसान के बचने के लिए आपको ऑर्डर ऑनलाइन ऑर्डर कम करना है और जब भी आपका बाहर खाने का मन करता है तो आप पास के रेस्टोरेंट या होटल में जाके बाहर खाना खा सकते हैं। इस तरह से भी आप अपने आप को अपनी हेल्थ को बचा सकते हैं। प्लास्टिक से होने वाले नुकसान, प्लास्टिक लेने से हमारी बॉडी में न्यूरोटॉक्सिसिटी होती है। न्यूरोटॉक्सिसिटी में क्या होता है, ये प्लास्टिक हमारे ब्रेन में जाके हमारे नर्व सेल्स को, डेंड्राइट सेल्स को डैमेज करती है, नर्वस सिस्टम डैमेज हो सकता है। रिसर्च में पाया गया है ज़्यादा प्लास्टिक के कंजम्पशन से हमें कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। जब भी हम प्लास्टिक की पॉलीथीन इस्तेमाल करते हैं और इसको इस्तेमाल करने के बाद रोड पे छोड़ देते हैं तो वो प्लास्टिक हमारे इकोसिस्टम के में एंटर कर जाती है, हमारी फूड चेन में भी प्रवेश कर जाती है। ओवर द टाइम ये प्लास्टिक का ब्रेकडाउन हो जाता है और ये छोटे छोटे पीसेस में टूट जाती है। जब भी कोई एनिमल जैसे कि गाय है, भैंस है, इन खाना खाती है, बहुत से लोग खाना छोड़ देते हैं, प्लास्टिक में ही छोड़ देते हैं, गाय को खाना भी खिलाते हैं लेकिन प्लास्टिक में ही रैप करके छोड़ देते हैं, उनसे इतनी भी तकलीफ नहीं होती है कि वो उसको प्लास्टिक को अलग करके गाय को खाना खिला दें, तो वो गाय कूड़े में जब खाना खाती है तो ये प्लास्टिक भी अंदर ले लेती है, उसका प्लास्टिक का ब्रेक डाउन होता है। और ये जब हम वो दूध पीते हैं, गाय का दूध पीते हैं, तो उस दूध में भी हमें माइक्रोप्लास्टिक के पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं और इस तरह से ये माइक्रोप्लास्टिक वापस हमारे बॉडी में एंटर कर जाती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।